भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा इंदौर में अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो कमियां थी उसे दूर किया गया है, प्राइवेट अस्पतालों को भी कंट्रोल किया गया है। इंदौर एक ऐसा शहर है जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई तकलीफ नहीं हुई है और कोई मौत नहीं हुई, यहां पर्याप्त ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मैनेजमेंट यह बहुत अच्छा है। वहीं विजयवर्गीय ने कहा है कि बेड की कमी दूर करने के गंभीर प्रयासों का असर दिख रहा है कि हमें अभी से तीसरे स्ट्रेन की तैयारी करना भी होगी। देखिए, पहली बात तो मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन के तालमेल के कारण इंदौर में बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। जो कुछ कमियां थी उसको भी काफ़ी दूर की है, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कंट्रोल किया है, और मैं बहुत गंभीरता से और दावे से कह सकता हूं कि देश में इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहां ऑक्सीजन के कारण कोई तकलीफ नहीं है, कोई डेथ नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी के कारण, बल्कि पर्याप्त ऑक्सीजन है। बड़े बड़े शहरों में तकलीफ है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर ऑक्सीजन की व्यवस्था और ऑक्सीजन का मैनेजमेंट यहाँ बहुत अच्छा है।